Students, welcome to Study IQ. I am Priyanshi Sood, and today we'll talk about the new field of anthropology, that is Indian anthropology. So आज हम Indian anthropology topic start करेंगे, जिसमें हम Indian लोगों के बारे में बात करेंगे, India के लोगों की race, ethnicity, culture, civilization हर एक term में बात करेंगे. So जो आज का lecture है, उसमें हम जो topic cover करने वाले हैं, वो basic elements हैं, जो Indian people के elements हैं, like ethnic, रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे. एंड साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑल ओवर द कंट्री, इनके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एथनिक एलिमेंट्स ऑफ इंडिया. तो एथनिक एलिमेंट्स में एथनिक ग्रुप क्या होते हैं, एथनिक टर्म का मतलब क्या है. सो द एग्रीगेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स. जब हम किसी ग्रुप को बायोलॉजिकली और सोशियो कल्चरली दोनों टर्म्स में स्टडी करते हैं, तो हम उसको एथनिसिटी कहते हैं उस ग्रुप की. सो दीज टर्म्स वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशियो कल्चरल टर्म्स. सो एथनिक ग्रुप. उसके बाद एथनिक ग्रुप जो है, ये कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं जिस सोसाइटी में हम बात करते हैं, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं. सो एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट सोशियो कल्चरल एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी दैट इज प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, सो वी categorize the whole society in small communities. So according to Bhasin and Walter, community can be defined as a group of people having occupational, religious, linguistic or regional characteristic. जिस भी group का same regional, occupational and linguistic characteristic same होंगे, तो हम उसे एक community कहेंगे. तो इस तरह से पूरी society जो है, वो different communities में divide की जाती है. And based on these divisions into different communities, हम उन communities को further classify करते हैं in different ethnic groups. ये जो different ethnic groups हैं, ये कैसे form हुए, like caste, schedule tribe, schedule caste, ये जो सब groups हैं, ये ethnic groups हैं. तो सबसे पहले हम अगर caste की बात करें, तो caste as we know in India is an exclusively Indian phenomenon. कास्ट वर्ड जो है, पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है पर्टिकुलर रेस, ब्रीड और कोई काइंड, लाइक कोई ग्रुप जो एक सिमिलैरिटीज शो करता है हर एक फॉर्म में, उससे हम कास्ट से डिनोट करते हैं. जाति जो होती है, जिसे हम नॉर्मल हिंदी टर्म में बोलते हैं, सो कास्ट एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है फॉर अ सिमिलैरिटीज दैट प्रिवेल्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. नाउ द कास्ट इज़ हाईली एंडोगैमस. दैट मीन्स कि एंडोगैमस का मतलब होता है कि कोई भी रिलेशन आप अपने पर्टिकुलर ग्रुप में ही बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी मैरिटल रिलेशंस हैं, तो एंडोगैमस होने का मतलब है कि आप शादी अपने ही ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, एक ही जाति के अंदर कर सकते हैं. अपने ग्रुप से बाहर जाके आप कोई रिलेशन नहीं फॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक्सोगैमी होती है. सो कास्ट फॉलोज द एंडोगैमस रिलेशनशिप्स. इसके बाद हर एक एरिया में, इंडिया के अलग अलग एरिया में कास्ट को अलग अलग टर्म से डिनोट किया जाता है. लाइक नॉर्दर्न इंडिया में जाति या कुआम इस तरह से यूज़ किया जाता है, उसी तरह से भाई बंद या बिरादरी, ये सब चीज जो टर्म्स हैं, ये कास्ट को डिनोट करने के लिए अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती हैं. एम एन श्रीनिवास ने कास्ट के लिए एक डेफिनेशन दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि कास्ट जो है वो एक हायरार्की सेटअप कर देता है सोसाइटी में, एक लेवल सेटअप कर देता है जहाँ पे हाई और लो क्लास दोनों तरह के लोग होते हैं, जिस हिसाब से सोसाइटी का क्लासिफिकेशन हो जाता है हाई क्लास लोग और लो क्लास लोगों में. उनका लाइफस्टाइल, उनका लिविंग लाइफस्टाइल जो भी है, वो उस अकॉर्डिंग फिर सेटअप होता है. सो कास्ट ही एक मेन पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी का सेटअप होता है, लाइफस्टाइल सेटअप. लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट. सो सबसे पहले आता है हेरिडिटरी आइडेंटिटी. लाइक अब एक कास्ट के लोग जो हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, बिकॉज वो एक ही कास्ट के हैं, तो उनका हेरिडिटरी आइडेंटिटी जो है वो ईजी हो जाती है. जो कहाँ से उनकी इनहेरिटेंस है, उनके डिसेंट क्या हैं, एंसेस्टर क्या हैं, वो सब जो है
आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, बिकॉज वो सिमिलर ग्रुप में होते हैं, सेम ग्रुप के होते हैं, तो उनके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है. नेक्स्ट इज एंडोगैमी. एज आई टोल्ड यू दैट एंडोगैमी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, दैट इज रिलेशंस विद इन देयर ओन ग्रुप. काफ़ी रूल्स बने हैं इंडियन सोसाइटी में कि एक कास्ट के लोग, जो हायर कास्ट के लोग हैं, वो लो कास्ट में शादी नहीं करेंगे. हायर कास्ट के जो मेल्स हैं वो लो कास्ट की फीमेल्स को के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, रिलेशंस नहीं फॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर हाईली एंडोगेमस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट. नेक्स्ट इज हेरिडिट्री ऑक्यूपेशन. लाइक आप किसी कास्ट के से बिलोंग करते हैं तो इट इज़ डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, आपको कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस मिलेंगी. सो बेस्ड ऑन योर कास्ट आपको ऑक्यूपेशनल चॉइसेस मिलेंगी और उसी ऑक्यूपेशन को आपको करना है, फुलफिल करना है, फॉलो करना है. उसके अलावा आप किसी और ऑक्यूपेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं. हायरार्की, लाइक अब कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी की क्लासिफिकेशन करता है इनटू हायर लेवल एंड लोअर लेवल. सो हायरार्की दैट इज सुप्रियोरिटी ऑफ सम कास्ट, जिसकी वजह से उन कास्ट को सुप्रियोरिटी मिलती है, कुछ ड्यूटीज मिलती हैं, उनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं जो कि वो सोसाइटी को रूल करते हैं, और जो लो कास्ट पीपल हैं उनको अकॉर्डिंगली रूल कर सकते हैं. सो सुप्रियोरिटी जो है वो उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग आ जाती है. देन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. लाइक अब कास्ट सिस्टम जो है वो हायर एंड लोअर कास्ट में डिवाइडेड है, तो ऐसा है कि कुछ जो सुप्रियोरिटी है, जो कास्ट सुपीरियर है, वो सोसाइटी में प्योर है, और जो बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन. सो occupation and services they perform that decides the purity and pollution that is created by the particular caste. Also the distinction in customs, dress and speech, like the way people dress up, वो भी caste के according होता है. Like higher caste के लोग हैं वो gold ornaments या अच्छी जो clothing करेंगे, और जो low caste के लोग हैं वो silver ornaments and उनका जो ड्रेसिंग है वो भी प्रॉपर नहीं हो सकता होगा. सो ये जो है डिफरेंसेस हैं अमंग हायर एंड लोअर कास्ट. सो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द कास्ट. नाउ नेक्स्ट कम्स द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. सो दीज कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर इन्यूमरेटेड फ्रॉम 1951 सेंसस ऑनवर्ड्स. 1951 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सेपरेटली काउंट करने लग गए थे. और ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये स्पेसिफाई किए गए थे बाय द 15 प्रेजिडेंशियल ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर एक्ट 1976. एंड 2001 के जो इंडियन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 16.2% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी, एंड अनदर 8.2% जो है अब शेड्यूल ट्राइब कंसिडर की जा रही थी अंटिल 2001 इंडियन सेंसस. सो मेनली जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है जिस बेसिस पे इनको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कहा गया है वो ये बेसिकली दीज आर द फोर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जिस बेसिस पे इनको एसटी एंड एससी कैटेगरी में डाल लिया गया था. दैट इज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, कल्टिवेटर विद स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल कॉमोडिटी प्रोड्यूसर और आर्टिशंस, सर्विसेज पर्टिकुलरली ऑफ पोल्यूटिंग काइंड. सो ये जो ऑक्यूपेशन परफॉर्म करते थे इस कैटेगरी के लोग एससी एसटी कैटेगरी में लिए गए थे, और उस अकॉर्डिंग अब इनकी काउंटिंग सेंसस में डिफरेंटली की जाती थी. So these are scheduled castes and scheduled tribes. Now moving on, let's talk about the religious elements of India. The main religious distribution in India. So first of all, Hinduism or Hindus. So Hindus jo hain mainly 80% total population jo hai wo Hindus ki hai India mein. और जो मेनली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है. हिमालयन रीजन को भी काफ़ी हिंदूज में कवर किए रिलीजन फॉलो किया जाता है. कैन से दैट हिंदुइज्म इज़ द मेजर रिलीजन दैट इंडियन पॉपुलेशन फॉलोज. नेक्स्ट कम्स द मुस्लिम्स और इस्लाम. सो द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम इज़ अराउंड 7th सेंचुरी, एंड द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वॉज प्रॉफिट मोहम्मद. मुस्लिम्स आर प्रीडोमिनेंटली रूरल कम्युनिटी. द ट्रू मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इंटू 4 मेन फैमिलीज, दैट इज सैयद, शेख, पठान एंड मोगुल. अब इन चार फैमिलीज़ में से जो सैयद हैं वो
प्रीस्टहुड ऑक्यूपेशन के होते हैं, जो कि पंडित पुजारी, हिंदू रिलीजन में जिस तरह से पंडित का दायरा होता है उसी तरह से सैयद होते हैं मुस्लिम्स में। और जो पठान और मोगुल हैं वो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जैसे क्षत्रिय होते हैं उसी तरह से पठान और मोगुल होते हैं मुस्लिम कैटेगरी रिलीजन में। दीज आर द फोर फैमिलीज ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। नेक्स्ट टू मेजर रिलीजन एंडोगैमस सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स आर शिया एंड सुन्नी, एंड सेवरल माइनर ग्रुप्स लाइक मोमिन्स, डोमोन, खोजा, बोहरा, मोफलिक। सो ये जो हैं चार माइनर ग्रुप्स हैं और बाकी के दो मेजर शिया एंड सुन्नी। इसके अलावा मुस्लिम रिलीजन में दो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कास्ट हैं जो कि अशरफ और शरीफ एंड अजलफ अलरोब। सो ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कास्ट हैं बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशनल एंड देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन। सो मेनली इंडिया में ये कश्मीर वैली एंड एडजेसेंट कारगिल तहसील मेवात, सो इस एरिया में ज़्यादा है जो कश्मीर वैली का रीजन है, और रोहिलखंड एंड अपर दोआब, गंगा डेल्टा, मलासर एंड लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप में मेनली 94.84% है, जम्मू एंड कश्मीर में 64.19% मुस्लिम रिलीजन है, एंड वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन स्टेट्स में भी कुछ मुस्लिम जो रिलीजन है वो फॉलो किया जाता है। कम्स द क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी। सो क्रिश्चियंस जो है थर्ड मेजर रिलीजियस कम्युनिटी है इंडियन कंट्री में, और क्रिश्चियंस जो है मेनली कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, टू टाइप की कैटेगरीज हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। दोनों ही कैटेगरीज जो है वो एंडोगैमस हैं, अपने ही ग्रुप में रिलेशंस फॉर्म कर सकते हैं। कुछ कैथोलिक्स जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, और जो मेनली क्रिश्चियंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन ऑफ कंट्री लाइक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो ये जो कुछ स्टेट्स हैं इसमें क्रिश्चियनिटी जो है वो फॉलो की जाती है। आफ्टर दिस कम्स द सिखिज्म। सो द टर्म सिख मीन्स शिष्या, सो शिष्या इज फॉलोअर। सो सिखिज्म जो है वो फॉलोअर हैं गुरु नानक देव एंड नाइन अदर गुरुज, ऑफ होम द लास्ट वॉज श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये जो सिखिज्म है यहाँ पे गुरु नानक देव और नाइन अदर गुरुज इंक्लूडिंग गुरु नानक देव जी जो कि लास्ट गुरु उनके थे उनको फॉलो करते हैं। और सिखिज्म जो रिलीजन है उसमें मेनली यूनिटी ऑफ गॉड, ब्रदरहुड, मैनकाइंड इस सब चीज़ों को सीख देती है सिखिज्म रिलीजन में। द सरदार्स इंक्लूड जाट एंड कम्बो, तरखान, कुम्हार, मेहरा एंड सिम्बमा। द फर्स्ट टू कास्ट रिगार्ड देमसेल्व एज सुपीरियर टू द अदर्स। नाउ देर आर सम अदर रिलीजियस सेक्ट्स अमंग द सिक्स लाइक निहांग्स, नामधारीज एंड रामगढ़ीज। मेनली जो सिख हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, दैट इज सरदार्स एंड मजबीज। सरदार जो हैं वो हाई कास्ट में आ जाते हैं जिनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है जाट, तरखान, कुम्हार में, और उसके बाद जो दूसरी क्लास है वो मजबीज हैं, वो थोड़ा लोअर क्लास में आ जाते हैं। और तो इस तरह से सिख सेक्शन की कैटेगरी जो है वो डिवाइडेड हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली पंजाब एंड चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये जो पार्ट्स हैं इंडिया के इसमें सिखिज्म जो है मेनली फॉलो किया जाता है। हाउएवर इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दे कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। सो सिखिज्म ऑल ओवर द कंट्री फॉलो किया जाता है एंड फोर्थ रिलीजियस कम्युनिटी है। नाउ नेक्स्ट कम्स द बुद्धिज्म। Now the evolution of Buddhism was because of the revolt against Vedic religion or Brahmanism. The founder of the Buddhism religion was Kshatriya Prince Siddharth, and the principle of the Buddhism religion is non-violence and simple living instead of ritualism. बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो भी दो सेक्शंस में डिवाइडेड है लाइक हिनायन एंड महायनस डिपेंडिंग ऑन द वे दे फॉलो देयर रिलीजन। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन इज मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक 28.7% इन सिक्किम, 13.69% इन अरुणाचल प्रदेश एंड 8.19% इन मिजोरम। नेक्स्ट कम्स द जैनिज्म और जैन्स। सो जैन्स आर बेसिकली अर्बन ड्वेलर्स and the founder of this religion is Kshatriya Prince Vardhaman. So जो principle था mainly Jainism का वो mainly practicality पे था rather than theoretical points पे, like they stresses on right actions and good deeds instead of sacrifices and prayers, कि कुछ अच्छे कर्म करने से अच्छा करने से ही
कुछ भला हो सकता है रादर देन सेक्रीफाइस करना या प्रेयर्स करते रहना. सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रैक्टिकल ज़्यादा था, थ्योरेटिकल कम था. और जो जैनिज्म था मेनली दो सेक्शंस में डिवाइडेड था, श्वेतांबरा एंड दिगांबरा. श्वेतांबरा जो था वो वाइट क्लोदिंग करते थे और जो दिगांबरा हैं वो दे डोंट वेयर क्लोथ्स. सो ये दो सेक्शंस थे जैनिज्म रिलीजन के. आफ्टर कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड दिल्ली. सो जैनिज्म मेनली इन जगह पे फॉलो किया जाता है इन द इंडियन कंट्री. एंड द नेक्स्ट कम्स द पारसीज. सो पारसीज जो है वो एंडोगेमस ग्रुप है जो कि ईरान से माइग्रेट होके यहाँ पे सेटल हुआ है इन द वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो ये मेनली एंडोगेमस हैं और साथ ही इनब्रीडिंग प्रेफर करते थे. प्रिंसिपल इनका इनब्रीडिंग है, दैट इज़ अपने जो क्लोज रिलेटेड लोग हैं उन्हीं के साथ रिलेशन फॉर्म करते. सो दीज आर द मेन, दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ पारसीज. नेक्स्ट इज ज्यूज. ज्यूज के भी फर्दर थ्री सेक्शंस हैं जिनमें ये डिवाइड हैं, दैट इज़ बेनी इसराइल, कोचिन ज्यूज एंड बगदादी ज्यूज. सो बेनी इसराइल मेनली बॉम्बे में और कोचिन ज्यूज कोचिन में और बगदादी ज्यूज फाउंड इन बॉम्बे एंड कैलकाता. सो डिफरेंट एरियाज में ज्यूज जो हैं पाए गए अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट सेक्शंस. सो दीज वर द मेनली एट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज दैट आर वेरी कॉमन इन द इंडियन सोसाइटीज, जो कि इंडियन सोसाइटीज में ये डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं फॉलो की जाती हैं जो ज़्यादातर. नेक्स्ट कम्स द थर्ड एलिमेंट, दैट इज लिंग्विस्टिक एलिमेंट ऑफ इंडिया. सो As we talk about the linguistic element, so there is a high degree of diversity in their languages and dialects is the striking most feature of India. According to Grierson, India has 179 languages and 544 dialects. According to the 1961 census of India, there were 187 languages spoken by different sections of our society. So as we know, the linguistic element jo hai ye bahut hi jyada डाइवर्सिफाइड है. हर एक सेक्शन जो सोसाइटी का है वो अलग लैंग्वेज या डायलेक्ट यूज़ करता है. सो बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स दे स्पीक, उसी अकॉर्डिंग हम उनका रिलीजन और उनका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन भी पता लगा सकते हैं, उनका रिलीजन भी पता लगा सकते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम उनके जो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं ये भी पता लगा सकते हैं. सो जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट है वो रिलीजियस एलिमेंट और एथनिक एलिमेंट दोनों एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकता है हमारी. Classification of Indian languages. As we know that Indian population is mainly divided into the four classes, that is Aryans, Dravidians, Austric people and the Tibeto-Chinese people. So 1961 census ke according, India mein 73.3% jo Indian population hai, wo Aryan family ki jo language thi, wo use karti thi. That is the 73.3% of Indian population spoke languages belonging to Aryan family. Dravidian came next representing 24.47% and only 1.5% for the Austric languages and still less for the Tibeto-Chinese languages, that is 0.73%. So this is the classification of Indian language. जैसे Indian population की जो different categories हैं वो किस तरह से कौन सी language prefer करती हैं और धीरे धीरे फिर ये जो classification है further divide होती गई और different dialects आ गए, जिसकी वजह से जो diversification of language है वो Indian population में बहुत high हो गई. So इस तरह से linguistic element है India का. So today we talked about the various elements of Indian population, that is ethnic, religious and linguistic elements. So this is all about today's lecture. Next time we'll come with some new interesting topics and concepts regarding the Indian people and population. So tab tak ke liye thank you so much and stay tuned.